कहना चाहूँगी कि पम्मी सोमल जी जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और डायरेक्ट की है, हम सबकी बहुत पुरानी दोस्त हैं। वो आप ही में से हैं, मीडिया से ही हैं और चंडीगढ़ से भी हैं, तो इसलिए जब वो मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेकर आईं तो मेरे माइंड में तो एक बात क्लियर थी कि पम्मी बना रही है तो मुझे ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें दोस्ती के तौर पर भी इंसान करता है। तो लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब वो फिल्म बनाने लगी तो मुझे इतना मज़ा आने लगा फिल्म करके, जब फिल्म बनकर तैयार हो गई और हमने देखी और जितनी भी मेरी सहेलियों ने साथ में देखी, सबको इतनी अच्छी लगी और इतना मज़ा आया, तो मुझे लगता है कि उसमें यही अलग है कि इसमें एक तो मेन किरदार है फिल्म का, तो उसमें आपकी बात खुद की बात कहने का या कैरेक्टर को ठीक से दिखाने का ज़्यादा वक्त रहता है। दूसरी फिल्मों में भले आपका रोल इम्पॉर्टेंट हो, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि मेन लीड का होता है। तो इस फिल्म में मम्मी पंजाबी मेन लीड है, तो जब वो मेन लीड है तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है, जब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है तो आपको उसका किरदार, इसी औरत का किरदार पूरी तरह दिखने को मिलता है और उसमें इंटरेस्ट भी होता है। एक ऐसी औरत है जो कि चंडीगढ़ में रहती और टिपिकल पंजाबी लेडी है और बड़ी जिंदा दिल है, अपनी ज़िंदगी जीती है, इंटरनेट पे भी है और बहुत सी अपनी उसकी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, जिन उसकी अपनी फैमिली के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको लगता है कि बेटों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए और बेटियों को कोई बात नहीं, उनको आज़ादी देनी चाहिए लेकिन जो बेटे हैं उन्हें थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, और हर चीज़ में उसका एक ओपिनियन है। मज़ा भी करती है, फनी भी है और इमोशनल भी है। इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म, इट्स अ वंडरफुल फिल्म, लाइक आई सेड बहुत हंसी भी आती है, बहुत सोचता भी है इंसान और बहुत इसमें इमोशनल भी है, तीनों चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से पूरी चीज़ को एक साथ बांधकर एंड में उसको ऐसे पॉइंट पर ख़त्म किया है पम्मी ने कि मतलब बहुत खूबसूरती से पिरोया। मैं देखिए साफ बात कहती हूँ कि मैं हिंदी फिल्मों में किसी को माँ, बहन, भाई या पिता जैसे नहीं देखती, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया ने जैसे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड का नाम दे दिया, इसी तरह से अब आप लोगों को बोल रहे हैं आपने माँ का क्या किरदार होता है। आप किसी हीरो को जाके पूछते हैं पिछले आपने अपनी फिल्म में जो बेटे का किरदार किया था वो इस वाले बेटे के किरदार से किस तरह मुख्तलिफ है, नहीं पूछते ना। तो मैं हर इंसान को एज अ परफॉर्मर देखती हूँ, हर किरदार को किरदार की तरह देखती हूँ। वो अलग बात है कि उनकी रिलेशनशिप्स, मैंने बहुत फिल्में की हैं जिसमें मैं किसी की माँ नहीं भी दिखाई गई, तो मुझे इस प्रश्न से ही आपत्ति है, मुझे माफ़ करना, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत लोगों ने किरदार किए हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद हैं।